morning, and thank you once again for beginning your Sunday with PHFM. जी हाँ, पब्लिक हस्ती फिल्मी मस्ती. और हमारी आज की जो पब्लिक हस्ती है वो है ही कुछ मस्त मस्त, बट ही इज ऑल्सो वेरी सीरियस अबाउट हिज प्रोफेशन, और शायद इसीलिए वो अपने प्रोफेशन के शिखर पर हैं अभी. भारत की जितनी भी सुंदरियाँ हैं, जो सुपर मॉडल्स हैं, उनकी खूबसूरती को ये चार चांद लगा देते हैं. जहाँ पर इंडियन ड्रेस कोड का सवाल होता या जिक्र होता है, वो इनके बगैर अधूरा रह जाता है. सम अचीवमेंट फॉर समवन सो यंग. So friends, let's welcome the one and only Rohit Bal. Naam, Rohit Bal. Kaam, Hindustan ke ameer umraon ke liye poshak banana. Bharat ko vishv ke fashion map par lana. Shauk, tennis khelna. Sangeet, der raat tak parties karna aur Hindi filmein dekhna. Very well, Rohit. How do you feel this morning? Very good. I feel this the same as any other morning, actually. Which is usually good. Okay. So, tell me something, Rohit. Ki kya jo aapka bindas image hai, is that a carefully cultivated image, or aap sahi mein bindas hain? Must. मुझे तो वैसे पता नहीं कि मैं बिंदास हूँ कि नहीं हूँ, but अभी की image मेरी कैसी है, बिंदास है या नहीं है? I don't think that's पता नहीं कि मतलब ये सही बात है कि नहीं. So बात है, मतलब like that. जो है इमेज वही हूँ, मतलब ये इमेज रियल यू. हाँ, अलग से नहीं है कि मैंने कुछ बना के रखी है, कुछ अपने आप की इमेज एक कंट्राइव करके जो मैं हूँ वही दिखता हूँ. I mean, I'm like an open book, really. आपकी कोई फेवरेट हीरोइन है अभी की करंट क्रॉप में? वो तो एक्चुअली काफी देर से है. काफी देर से है, सो शी इज नॉट अ न्यूकमर रियली. माधुरी दीक्षित, हॉरिबल पिक्चर. In fact, the worst picture I've ever seen in my life, I think. It's called Rajkumar. But the music was very nice. And I enjoyed the music from Rajkumar. I saw the film and I was in shock because the music is good. It has great rhythm. I mean, I could dance better than that, you know. Aha, so now we know he's a dancer as well. Ab ye to tareeke hote hain batane ke. Apne character ke baare mein thodi-thodi cheeze. Thodi-thodi cheeze, aista-aista karke. You know, I'm getting very tempted to ask you one question. What do you think about Madhuri Dixit's dress sense? Ab main kya bolu sachi se, my love blinds me. Maine likha bhi tha iske bare mein ek Star and Style ya Filmfare magazine mein, pura article 7 pages ka, aur jisme maine sab har ek film star actress ke bare mein film dress sense ke bare mein likha tha, matlab aur bilkul dil se likha tha aur sach likha tha, aur sab ke bare mein jo matlab mujhe सबसे भयानक जो चीज दिखती है उनकी ड्रेस सेंस के बारे में. ऑफ कोर्स मिस्टर गोविंदा साहब वाज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट. बचपन में किसी हीरोइन को दिल दिया था आपने? यू नो, डिड यू हैव अ क्रश ऑन समबडी? आई थिंक सो. आई यूज्ड टू बी वेरी इंफैचुएटेड बाय शर्मिला टैगोर एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई थिंक शी इज वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो इंपेशेंट, एंड देन आई थिंक मुमताज, जो कि मेरे ख्याल में सबकी फेवरेट रही थी. उनकी मैं शूटिंग्स बहुत देखा करता था, मुमताज वगैरह की, बिकॉज मैं कश्मीर में पला हुआ हूँ. नहीं मतलब मैं जब 18 साल की उम्र तक मैं कश्मीर में था, तो वहाँ पे बहुत शूटिंग्स होती थी. तो मतलब यू नो व्हेन यू आर 11-12 इयर्स, तो जो भी नई शूटिंग में जो भी हीरोइन दिखती थी उसी को दिल दिया जाता था. इन सबको पीछे छोड़ते हुए बिल्कुल, जो कि एक ही डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट लीग, मतलब कि एक और प्लेटफॉर्म पे हैं, हु आई थिंक इज रियली अ फैंटास्टिक पर्सन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, वाज हेलन. बिकॉज इफ यू इवन लुक एट ऑल द कॉस्ट्यूम्स, यू लुक एट, इन फैक्ट दैट्स वेरी स्ट्रेंज दैट लास्ट टाइम आई वाज ड्रीमिंग अबाउट दिस. It's not a joke. I was actually dreaming that there's some exhibition हो रही है कोई बॉलीवुड में, बॉम्बे के कोई म्यूजियम में, और उसमें हेलन के सारे कॉस्ट्यूम्स लगाए गए हैं, डिस्प्लेड हैं, और वो ज्वेलरी. आई एम टेलिंग यू, मुझे सच्ची कल रात का सपना है. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, सीरियसली. और किसी भी कैबरे नंबर में आज तक उन्होंने अपना एक्चुअल जिस्म नहीं दिखाया. She used to wear this nylon skin colored nylon, you know, sort of, you know, mesh all over her body, which I think is pretty incredible. But I think that वो क्या मतलब eyelashes पे diamonds और eyebrows पे diamonds और ये मतलब अजीब तरह का makeup, fantastic. हाँ, मैं इस समय रोहित के साथ और उनसे पूछते हैं कुछ और सवाल. Given a choice, like आप किस filmmaker के साथ काम करना चाहेंगे? Do you have a favorite filmmaker? मणि रत्नम. मणि रत्नम. Oh, talking about मणि रत्नम, did you see Roja in Bombay?
I saw Roja in Delhi. Okay. What do you say for Roja? पहली बात तो मेरे लिए फिल्म ज़्यादा सेंसिटिव थी बिकॉज़ मैं उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में मतलब मैंने वो सर्कमस्टेंसेस खुद देखे हैं एंड मतलब द फैक्ट इज कि कश्मीर से हम अलग कर दिए गए हैं इट्स रियली क्वाइट डिस्टर्बिंग एक्चुअली बट आई थिंक द वे मनी रत्नम हैज ट्रीटेड दैट फिल्म इज बीन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट ट्रायम्फ What do you think about Arvind Swamy as an actor? आपको लगता है he's a good actor? I think Arvind Swamy is a kind of actor who really grows on you. मतलब उन वो पहली मतलब जब वो पहले आप उनको पहली दफा देखो तो वो आप instant reaction होता है ये कैसे hero बन गए you know? But then you realize that there's a lot of gentleness, there's a lot of there's something very gentle and very sort of peaceful about him. उनके बारे में कुछ बहुत सुकून you know something बहुत like a very very nice jo aapko kya lagta hai hamari industry mein survive karne ke liye zyada zaruri kya hota hai talent or the look I think aur tarike ke talents hote hain actually jo ki you know they decide ke aapka career kis side kaisa rukh pakdega but I mean there are talents of being good to people or being PR. There at the right time at the right place good PR That's one aspect, of course. You know what I'm trying to say. Public relations. But on the other hand, कौन सी पार्टी में क्या होता है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे मिलते रहना चाहिए, वो तो हो गया एक साइड. दूसरी साइड, I think beginning में survival के लिए तो दूसरी बात है, but beginning में to get noticed, कपड़े कम पहनने चाहिए. या ये वल्गर टाइप वल्गर फैंसी सीन्स करने चाहिए फिल्मों में जिसकी वजह से पब्लिक आपको नोटिस करे और खासकर मासेज